तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल के एक और ट्रिक्स में। जैसे मेरे पास एक डेटा है, मुझे हर दिन इस डेटा को एक मेल पे, मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना होता है, किसी को मेल करना होता है। जब इसको कॉपी किया और हमने इसमें आउटलुक में गए, हमने मेल को कंपोज किया न्यू मेल पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं किसको भेजना है, मैं यहाँ पे दिया और मैं यहाँ अपना सीसी बी सीसी डालूंगा, सब्जेक्ट डालूंगा, और फिर मैं डियर सर होता है मैटर, वो मैटर लिखूंगा बिलो, और फिर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा जो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है ना उसी से, और फिर नीचे मैं लिखूंगा रिगार्ड। हेलो, फिर मैं सेंड कर, लेकिन एक काम मुझे हर दिन सुधीर जी आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी सर, एक काम आपको हर दिन करना पड़ेगा। तो मुझे हर दिन सेम फाइल, मेरा जो फाइल है मैनुअल नहीं है, किसी पिवट से या किसी डेटा से कनेक्टेड है, और एवरीडे जब डेटा में अपडेट करता हूँ तो ये डेटा मेरा अपडेट हो जाता है। तो हर दिन मुझे कंपोज करना, कॉपी करना, मतलब कि इसको इस करने में मुझे 5 मिनट का टाइम हर दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसका चलिए आपको हम सोल्यूशन बताते हैं। क्या सोल्यूशन है कि आप इसको कॉपी करें और न्यू मेल पे जाएं, जो मैटर वगैरह लिखना लिखें, जो आपने पेस्ट किया था वो पेस्ट ना करके क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल, यहां दिख रहा है आपको पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट एज ए लिंक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करके ओके। अब जो है ये एक्सेल सीट से लिंक है, मतलब कि मैं यहां अगर 69 की जगह पे 70 कर दूं, एंटर प्रेस करूं, तो आप देखेंगे कि यहां पे 70 हो जाएगा, बट यहां 70 नहीं हुआ, तो आपको यहां राइट क्लिक करके अपडेट लिंक करना पड़ेगा। यहां हो जाता है बट ये फाइल मेरा सेव नहीं है, आई थिंक नहीं हुआ इस कारण से। तो लिंक कैसे उठाया आपका, तो मतलब ऑटो कैसे उसको चेंज किया क्या इसने, मतलब आप वहां पे चेंज कर रहे हो, आप रिफ्रेश कर रहे हो, तो ये वैल्यू चेंज कैसे हो रही है? लिंक तो समझे, तो इससे यहाँ पे आपने देखा होगा पेस्ट स्पेशल में कि हमने पेस्ट लिंक और माइक्रोसॉफ्ट, तो इसने इन दोनों फाइल के बीच में लिंक क्रिएट कर दिया। अब जैसे वहां डेटा चेंज होगा यहाँ भी चेंज होगा, एक्सेल हैंग हो रहा है, इस कारण से अपडेट नहीं हो रहा, अपना ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसको मेल कर दिया और सामने वाले पर्सन की मेल आईडी में जाएगा, आप यहाँ चेंज करोगे वहां चेंज हो जाएगा, ये नहीं होगा। चेंज जब तक आपने सेंड नहीं किया तब तक ही होगा, बट फायदा क्या हुआ फिर, दोबारा से फिर से कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा नहीं। क्या एक बार सेंड पे क्लिक कर दो तो ये तो मूव हो जाएगा ना, ये तो ड्राफ्ट से सेंट में। उसका सलूशन है टेम्पलेट, आप इस फाइल को इसको सेव एज करें, यहां पे सिलेक्ट कर ले, यहां पे आउटलुक मैसेज आउटलुक टेम्पलेट दिख गया, एक लोकेशन में आप उसको सेंट करें। तो अब क्या हो गया कि अब मैं इसको सेंड कर भी दूं, हट भी जाए, तो इसकी एक कॉपी जो है हमारे सिस्टम पे, जैसे मान लीजिए मैं इसको कलर कर देता हूं सबको, अब मुझे अगले दिन क्या होगा कि मेरा डेटा अपडेट हो गया, सब चीज रेडी है, अगले दिन मैं यहाँ सेल्स अपडेट दिख रहा है आपको जो कि मैंने सेव किया था, ओपन करना है, यस कीजिए, आपके पास बिल्कुल अपडेटेड सब कुछ तैयार आपको यहाँ दिखेगा, आपका मेल आईडी, आपका सब्जेक्ट। उसमें सर अगर उसमें कॉलम है तो ऐड करूं, जैसे इसमें 8
सपोज नॉन नॉन नेम है उसमें मैं 51 नेम ऐड करूं तो इसमें ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक? देख लीजिए डाटा, उसके लिए आपको टेबल यूज करना पड़ेगा, आगे क्लास में समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे तो हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा, वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। हाँ, जब एक उदय, मान लीजिए मैंने एक उदय को ऐड किया, यहाँ होने के पीछे रीजन क्या है कि हमने जो डेटा कॉपी किया है 17 तक किया है, तो 17 तक तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ नीचे 18 का कुछ लिख देते हैं तो 18 का डेटा यहाँ नहीं आएगा। बेनिफिट ले सकते हैं जो मेल वर्डिंग पे बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं उसके जगह पे, ठीक है सर?